हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वाला मनी तो बोल रहा था, क्या ना? जी जी सुनिए, ये जो गैब में मदद मांगना, जैसे अंबिया औलिया से मदद मांगना है कि जैसे या गौसल मदद कहना या रसूल अल्लाह मदद कहना, ये मदद क्या है, शिर्क है कि क्या है? ये सवाल क्यों आया? ये सवाल इसलिए आया, तो अभी मैं एक तस्वीर सुन रहा था मौलाना तौसीफुर रहमान साहब की, तो उन्होंने कहा मतलब शिर्क है और एक वो है आपके जमात के अहले हदीस के जमात के हैं मुजफ्फर बिहारी साहब, उन्होंने एक क्लिप मतलब डाला है, वो कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद खराब हो जाती है, तो इसी के ताल्लुक से मैं सोचा अभी उनके उनका तो कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास नहीं, आपका था तो हमने आपसे। हाँ चलो, ये तो तुमने एक ही साइड की दोनों बातें बताए ना, इसमें मसला क्या है, इख्तिलाफ किस बात का है? इख्तिलाफ इस बात का है कि शायद जैसे मतलब या रसूल अल्लाह अगर कोई कह रहा है तो वो क्या है, मतलब सही है या गलत है? हाँ, या मदद, अरे अभी की जमात के बहुत सारे लोग जर्जी जैसे लोग कह रहे हैं क्या, यही या रसूल अल्लाह कहते हैं लोग, ये तो मुशरिक हैं, बिदाती हैं, तो हाँ, तो ये तौहीद है क्या कहना? हाँ ये तौहीद है क्या ऐसा कहना? सवाल मेरा ये नहीं शायद, मतलब ये क्या सवाल आपका, तो कह रहा है आपका सवाल, तो यार रसूल अल्लाह मदद कह रहा है तो उसके ऊपर ऊपर हुक्म शरा क्या लगेगा? नहीं तो ये तो बात तब आएगी ना जब आप उसे तौहीद मानो। तौहीद मानो? हाँ, तो तौहीद कौन मानता है भाई? इख्तिलाफ होगा जब बात आएगी ना। हाँ तो मतलब कह सकते हैं ना यार रसूल अल्लाह मदद? नहीं नहीं, अभी तो इससे साबित हुआ कि शेख तौसीफुर रहमान वाला मौकिफ आपका भी है, क्योंकि आपने उसको तौहीद मानने से इनकार कर दिया, मतलब शिर्क है ना। हमने कहाँ कहा शिर्क है, उन्होंने तो कहा है ना शिर्क है, तो आपने भी तो तौहीद माना ना उसको? हाँ तौहीद तो माना ही हूँ, या रसूल अल्लाह कहना मतलब ये क्या है? ये तौहीद है, है? या रसूल अल्लाह कहना तौहीद है? तौहीद है, तौहीद है, तौहीद है, तौहीद है। हाँ बिल्कुल तौहीद है। नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हाँ बोलिए। तो अस्तग़फार, अल्लाह ताला के साथ शरीक बना दिए, तौबा कर दी। हाँ तौबा कर लीजिए। अब बताइए हमें, या रसूल अल्लाह कहना ये शिर्क है या जायज है? अकीदतन कहना तो शिर्क है, हकीकतन कहना शिर्क है ना? अकीदतन, अकीदतन। अच्छा अकीदतन कहना शिर्क है। हाँ। अगर कोई या रसूल अल्लाह मतलब या रसूल अल्लाह अलमदद कह रहा है या गौस अलमदद कह रहा है तो वो मतलब शिर्क हो जाएगा ना? हाँ, अकीदतन कह रहा है तो शिर्क है, शिर्क है। वो आयत पढ़ दीजिए शेख। हाँ वो आयत पढ़ दीजिए जहाँ फरमाया हो या रसूल अल्लाह, अगर मेरे रसूल को या रसूल अल्लाह अलमदद कहोगे तो शिर्क हो जाएगा, वो आयत पढ़िए। तो अल्लाह के नबी के जमाने में किसने कहा हो पहले, तो ये तो बताओ। वो आयत पढ़िए, दावा आपका है। तो भाई दावा हमारा है, सवाल आपका है ना? तो दावा आपका है, दलील आप देंगे कि हम देंगे? तो सवाल आपका है ना, नबी के जमाने में किसने कहा या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए? किसने मना किया है? किसने मना किया है? अल्लाह के नबी ने मना किए। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्द, जिसने दीन में कोई ऐसा अमल किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया था उसका अमल मर्दूद है। हाँ तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि या रसूल अल्लाह मेरे उम्मती अगर मुझको पुकारोगे तो मुशरिक हो जाओगी, इसमें ये तो नहीं जाहिर है ना? नहीं नहीं, उसमें ये जाहिर तो बिल्कुल। तो फिर आपने कैसे दावा कर दिया? जाहिर तो बिल्कुल हो रहा है ना उसमें, कहाँ जाहिर हो रहा है? अल्लाह के नबी ने क्या बताया कि तौहीद क्या है? तौहीद क्या है? तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक जानना, हाँ उसके उसकी जात में, उसकी सिफात में, सिफात में, इबादत में, इबादत में न करना, हाँ उसका किसी को उसके साथ किसी को तशबी न देना, तमसील न देना। हाँ यही है, यही है। हाँ अब अल्लाह ताला की सिफात क्या क्या है, मदद कौन कर सकता है? अल्लाह मदद कर सकता है, गैरुल्लाह भी मदद कर सकता है। क्यों बंदा नहीं मदद करता है? बंदा किधर मदद कर सकता है? कुछ इसकी पता है, अल्लाह ताला ने जो कौन सा बंदा ऐसा है जो आज तक फिरौन को छोड़ के जो बोल सकता है कि मैं भी मदद कर सकता हूँ? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कौन सा ऐसा मुसलमान बंदा है जिसने ये बोला हो कि मैं भी मदद कर सकता हूँ फिरौन के सिवा? हम तो कहते हैं हम भी मदद करते हैं, लेकिन हम खुदा की अता से मदद कर सकते हैं। हाँ तो ये तो मुशरिकीन मक्का का अकीदा हुआ। चलो आप पक्के मुशरिक हो गए, अताई वाला अकीदा तो मुशरिक ने मक्का का था कि अल्लाह ताला ने इनको अता किया है। अगर अल्लाह ताला किसी को अता कर दे और वो अपने रब की अता से अगर किसी की मदद कर दे तो अल्लाह ताला क्या अता करेगा? अल्लाह ताला
क्या अता अल्लाह ताला क्या नहीं अता कर सकता है भाई? कर सकता है वाला सवाल ही नहीं आना चाहिए ना। अल्लाह ताला आपकी मर्जी से थोड़ी चलेगा, तुम अल्लाह ताला को अपनी मर्जी से चलाओगे क्या? अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की ताकत अता की है, अल्लाह ताला ने दी है। ये तो अल्लाह ताला ने दे चुके, आपको अता ही नहीं है ना, ये तो दी है, फितरत में रखी आपको, अताई थोड़ी है। अताई अकीदा तो उसे कहते हैं कि आज जो आदमी दुनिया, अच्छा दुनिया से चले जाने के बाद आप बोल सकते हो क्या? क्या चीज़? दुनिया से चले जाने के बाद, मौत आने के बाद आप ऐसे में से बात कर सकते हो? ऐसे तो नहीं बात कर सकते, लेकिन तो मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था, फरिश्तों से तो कब्र में बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं। हाँ ऐसे नहीं, जो बात करते हैं ना, माशाल्लाह बरेलवी फोन पे भी बात करते हैं, क्या बात है कब्रों में? हाँ हाँ, बरेलवी लोग कब्र में भी जिंदा होते हैं। हाँ फोन पे भी बात कर लेते हैं? हाँ हाँ फोन पर भी बात करते हैं। अच्छा तो जरा मेरे को लगाओ अंदर कब्र में पहुँच के फोन, जरा कब्र में बरेलवी जिंदा होते हैं? बरेलवी भी कब्र में फोन में बात कर सकते हैं। देखो भाई बरेलवी का अकीदा सुनो, आज के बाद दावा किया है यार रसूलल्लाह, मदद कहने वाला मुशरिक हो जाएगा, नदीम बुरहानपुरी साहब। बिल्कुल, जो भी दुनिया से चले गए हैं और जिनमें जो सिफात ताकत नहीं है, देखो तुमने जो सिफात बयान किए थे ना, कि सिफात में अल्लाह ताला जैसा किसी को मानना, अब अल्लाह ताला ने जब वो ताकत ही नहीं दी है उसको, तो तुमने उसको सिफत मान ली तो शिर्क कर दिए ना, अल्लाह ने नहीं दी थी। माशाल्लाह रब्बिल आलमीन, सुनिए अभी बंदे की बात है, ये बंदा कब्र में जाने के बाद बोल नहीं सकता है ना, तो अल्लाह ताला भी माशाल्लाह नहीं कब्र में जाता है क्या? नहीं, वो तो अल्लाह ताला दे रहा ना, फिर तुमने कैसे ये दावा कर दिया जनाब? अरे अल्लाह ताला ताकत दे रहे ना वो, तो अल्लाह ताला ने ताकत दी है बोलने की, तो कब्र में तो जब अल्लाह ताला जो ताकत देता है वो शिर्क उसको कितने कहा है? नहीं है भाई, अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला जो चीज में ताकत देता है उसमें उससे मदद मांगने को शिर्क किसने कहा? मदद मांगने को शिर्क तो आप लोग कह रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो तो जिसने ताकत नहीं दी उसमें कह रहे हैं ना। अब औलाद देना किसकी ताकत है? अल्लाह ताला की। अब रसूलुल्लाह दे सकते क्या औलाद? हाँ बेशक दे सकते हैं। अरे बाप रे बाप रे, तो बस हाँ, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से रसूलुल्लाह भी औलाद दे सका है। रसूलुल्लाह भाई यही तो मुशरिकी ने मक्का का अकीदा था, मेरे गौसे आजम ने औलाद अता किया है। हाँ तो यही तो मुशरिकी ने मक्का का अकीदा था, और ऐसे ऐसा अकीदा रखने वाले दारे इस्लाम से खारिज है। अल्लाह की दी हुई ताकत से ये गौसे आजम ने भी बच्चे अता किए हैं, पूरा ऐसा पूरा जी। टॉपिक ये चल रही थी शायद, जो टॉपिक चल रही है, तो या रसूल अल्लाह पर आपने शिर्क का फतवा लगाया है, उस पर दलील दीजिए, आयत पढ़िए। हाँ पत्र वाली